आइए इधर देखें, हेडिंग जमाए, डिफरेंशिएशन में कोई डाउट नहीं है ना, बोल एकदम डिफरेंशिएशन क्लियर है? डिफरेंशिएशन में खूब ढेर सारे नियम पढ़े थे हम लोग सर, उसके बाद क्या पढ़े, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन, उसमें क्या क्या पढ़ा, स्लोप निकालना, डबल डिफरेंशिएशन और मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट, किसका कॉन्सेप्ट, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से देखिएगा, अब याद करो मैंने बोला था कैलकुलस के कितने हिस्से थे, दो हिस्से थे, कितने थे, दो, एक तो डिफरेंशिएशन था और दूसरा क्या था, इंटीग्रेशन, क्या था, इंटीग्रेशन। अब आप ये तो कवर हो गया, खत्म कहानी, इनको अच्छे से समझिएगा ठीक ना। इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान से देख, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि इंटीग्रेशन उसका किया जाता है जो पहले से एक बार डिफरेंशिएट हो चुका हो, ध्यान से समझना, क्या बोलते हैं लोग, इंटीग्रेशन उसका किया जाता है जो पहले से एक बार क्या हो चुका हो, डिफरेंशिएट हो चुका हो, क्यों कहते हैं लोग ऐसा ठीक ना, इसलिए बोला जाता है क्योंकि इंटीग्रेशन को ना अगर बुक पढ़ोगे ना तुम लोग तो बुक्स में लिखा रहता है इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, क्या है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये तो किताबी डेफिनेशन है ठीक ना। इसको अगर फिजिकली समझने की कोशिश करें तो कैसे समझेंगे, तो याद करो डिफरेंशिएशन कब पढ़ते थे, जब चीजों बहुत ही छोटी हो जाती थी, एकदम टाइनी मिनी, एकदम टेंडिंग टू जीरो वाली की जब चर्चा होती थी तब क्या पढ़ते थे, डिफरेंशिएशन पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, या मैंने बोला था किसी चीज को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, एकदम छोटे वाले हिस्से की तरफ बढ़ जाओ, तो किसका कॉन्सेप्ट आएगा, डिफरेंशिएशन का। तो इंटीग्रेशन में अपने मन से बता किसका कॉन्सेप्ट आता होगा, अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा काम है तो इंटीग्रेट में, इंटीग्रेशन में क्या होता होगा, चीजें एड अप होती होंगी, क्या होती होंगी, एड अप होती होंगी ठीक ना, समेशन होता है इसमें, क्या होता है, समेशन। जैसे अभी जब थोड़े दिन बाद तुम लोग पढ़ोगे ना फिजिक्स में, तो आगे चल के हम लोग बहुत बातें करेंगे कि मान लो ये कोई बड़ी सी बॉडी है ठीक ना, तो इसका जो सबसे छोटा पार्ट होगा जिससे ये मिल करके बना होगा ठीक ना, उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। जैसे मैं बोल रहा था ना छोटा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो जो छोटा सा एकदम, हम उसको छुटका बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, छुटका। तो जो छुटका होता है ना, उस छुटका को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंट। जैसे मान लिया मेरे पास कोई एक चीज है ठीक ना, उसको मैंने तोड़ा 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 खूब ढेर सारे छोटे 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 सेक्शन में तोड़ दिया ठीक ना, तो ये जो एक छोटा सा सेक्शन बन रहा है ना, ये जो एक छोटा सा सेक्शन बन रहा है, ये एक छोटा सा जो हिस्सा बन रहा है ना, इसी हिस्से को हम लोग एलिमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे ठीक ना। इसी को हम लोग डीएक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डीएक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, बोल फिजिक्स की भाषा में क्या बोलेंगे, एलिमेंट, अपन अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, छुटका, क्या बोलेंगे, छुटका, और मैथ्स की भाषा में क्या बोलेंगे, डीएक्स, क्या बोलेंगे, डीएक्स ठीक ना। मान लो कोई बहुत बड़ी सी बॉडी है ठीक ना, जैसे मान लो ये बहुत बड़ी सी बॉडी है ठीक ना, तो इसका ये क्या है, एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट, और आपकी देसी भाषा में क्या बोलूंगा, इसका क्या है, छुटका। जैसे ऐसे समझो, मान लो मैं सिक्का के ऊपर सिक्का, सिक्का के ऊपर सिक्का, सिक्का के ऊपर सिक्का रखते जा रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, एक सॉलिड सिलेंडर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो एक जो सिक्का है वो क्या है, एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट है। बातें क्लियर हो रही है, पक्का ना, तो मैं क्या बोलूंगा, सिलेंडर का एलिमेंट कौन है, डिस्क, सिलेंडर का एलिमेंट कौन है, डिस्क ठीक ना। अब मान ले मैं चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखते जाऊं, सॉलिड सिलेंडर बनेगा कि सिलेंड्रिकल शेल बनेगा, सिलेंड्रिकल शेल बनेगा ना, अरे बोलो, तो वो जो रिंग होगा, वो जो चूड़ी होगी, वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा ठीक ना। या फिर एक दूसरा एग्जांपल ले लो, अब मान लो डिस्क कैसे बना होगा, इमेजिन करना जरा, मान लो मेरे पास एक बड़ा सा चूड़ी है ठीक ना, एलिमेंट का मतलब समझ लीजिए, इसके अंदर मैंने ना थोड़े कम रेडियस का एक दूसरा चूड़ी इसको पहना दिया, फिर उसके अंदर एक और छोटा सा दूसरा, मतलब एकदम चिपका चिपका सा, थोड़ा सा छोटा रेडियस का, फिर थोड़ा सा और छोटा रेडियस का, क्या मैं चूड़ी के अंदर चूड़ी, चूड़ी के अंदर चूड़ी, चूड़ी के अंदर चूड़ी पहनाते जाऊं पहनाते जाऊं पहनाते जाऊं, तो क्या एक समय आएगा वो देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि सॉलिड डिस्क है। अरे बोलो, डिस्क मतलब समझते हो ना, थाली, डिस्क मतलब थाली, हमारे यहाँ लोकल भाषा में थरिया जिसको बोलते हैं ठीक ना, तो डिस्क क्या है, थाली। अब एक बार बता, इमेजिन कर, क्या मैं ऐसे समझो, रिंग के अंदर रिंग, रिंग के अंदर रिंग, रिंग के अंदर रिंग, रिंग के अंदर अंत में जाते 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 एकदम कैपिलरी के साइज का, आगे एक शब्द यूज होगा जब सरफेस टेंशन करोगे, कैपिलरी ठीक ना, कैपिलरी ट्यूब, बहुत पतला होता है ठीक ना, उतना पतला, इमेजिन करो मेरे पास एक है चूड़ी उतनी पतली सी, उतना पतला सा रिंग है, उतना कम रेडियस का डायमीटर का रिंग है, मैं उतना छोटे रिंग तक अगर मैं रिंग के अंदर रिंग, रिंग के अंदर रिंग, रिंग के अंदर रिंग डालते जाऊं, क्या डिस्क बन जाएगा, तो रिंग क्या होगा, डिस्क का एलिमेंट होगा, क्या होगा, एलिमेंट का फंडा क्लियर है, पक्का ना। तो इसीलिए ना इसका एक और नाम दिया जाता है,
ये तो किताबी भाषा है, ठीक ना, इसको बोला जाता है इंटीग्रेशन क्या है, समेशन ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स, समेशन ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स इज नोन एज इंटीग्रेशन, इज नोन एज इंटीग्रेशन, इज नोन एज इंटीग्रेशन. सभी एलिमेंट्स को मैं क्या कर दूं, समअप कर दूं, क्या कर दूं, समअप कर दूं. आज ही एक बात बोल रहा हूं, आगे इसको हमेशा याद रखिएगा. आगे कई चीजें ऐसी मिलेंगी ना जहां पे मैं एक बार बार शब्द बोलूंगा. सबसे पहले छुटका के लिए पता करो, बड़का के लिए सांप लगा दो. फिर से सुन, क्या बोलूंगा, सबसे पहले छुटका के लिए निकालो और बड़का के लिए सांप. मतलब कोई चीज आगे चलते पढ़ूंगा ना, मोमेंट ऑफ एनर्जिया नाम से एक चीज पढ़ाऊंगा वहां पर ना. सबसे पहले हम लोग छोटे की चर्चा करेंगे. किसके बारे में चर्चा कर लेंगे, एलिमेंट का हाव भाव सारी चीजों की चर्चा कर लूंगा. और मैं क्या करूंगा, ऊपर की क्लास खाली है, 12th वाले इस वाले में होंगे सब ना, सामने वाले में पढ़ रहा होंगे सब. क्या बता रहे थे, हाँ, सबसे पहले हम किसकी चर्चा कर लेंगे, इसके बारे में इसकी सारी प्रॉपर्टी निकाल लूंगा, ठीक ना. और इसी की प्रॉपर्टी जब पता चल जाएगी तो इसी की प्रॉपर्टी सबके लिए लागू कर दूंगा, ठीक ना. अभी ऐसे समय अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर समेशन तो सम से निकल के आया है, किससे निकल के आया है, सम से निकल के आया है. समेशन को तो हम लोग आज तक ऐसे दर्शाते थे, अरे ऐसे करते थे ना, मैथ्स में किया होगा, मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा, तो ऐसे बक्सा बक्सा बना करके नीचे ऐसा लगाते थे, याद आ रहा है, ठीक ना. तो सर यहाँ पे क्या यही सिंबल उम्बल यूज होगा क्या, नहीं. याद रखिएगा चीजें दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है बॉडीज, हम लोग कितने प्रकार की पढ़ेंगे, दो. एक पढ़ेंगे डिस्क्रीट नेचर का और एक पढ़ेंगे कंटिन्यूअस नेचर का. अभी उधर की तरफ नहीं बढ़ते हैं, ठीक ना. तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन में ये वाला समेशन का यूज नहीं करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे. जैसे तुम लोग डिफरेंशिएशन जैसे बोल रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये भी आ सकता है. तुम्हारे दिमाग में क्या तुरंत आएगा, dy by dx, dy by dt, dy by dz, dy by dy, कुछ ऐसा पूछा होगा, ठीक ना. तो वैसे ही जैसे मैं इंटीग्रेशन बोलूंगा, ये क्या था, ये ऑपरेटर्स थे. क्या थे, ऑपरेटर्स थे, रूप बदल देते थे. क्या कर देते थे, रूप बदल देते थे. वैसे ही जैसे मैं शब्द बोलूं इंटीग्रेशन तो तुम्हारे दिमाग में ये सिंबल आना चाहिए, ये बड़ा सा एस लिखा हुआ है, स्ट्रेच्ड एस है. क्या है, स्ट्रेच्ड एस. ऐसा सुंदर सुंदर एस को तुम लोग ऐसे बनाते हो, ठीक ना. अब इसी को पकड़ के क्या कर दिए, खींच दिए. तो ये सिंबल है, क्या है, ये सिंबल है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. बताइए, मार्कर नहीं है, एक ही मार्कर है यहां पे, दो तीन मार्कर सर ले गए हैं. अरे बोलो, क्लियर हो रहा है क्या, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. डिफरेंशिएशन बोले तो दिमाग में क्या घंटी बची, डीवाई बाई डीएक्स की चर्चा, किसी डीवाई डी की चर्चा चल रही होगी, ठीक ना. वहां पर तुरंत तुम्हारे दिमाग में आता है डीवाई डीएक्स करना है, चीजें छोटी होती जाएंगी. चीजें क्या होती जाएंगी, छोटी. देखो मैंने बोला था डिफरेंशिएट करोगे चीजें क्या होती जाती है, छोटी. तुम एक ही चीज को दो बार नहीं, डबल डिफरेंशिएट नहीं, ट्रिपल करो, चार बार निकालो, एक समय आएगा वो जीरो बन जाएगा, आएगा ना एक समय. अरे बोल, वो साइन कॉस वाले में नहीं कह रहा हूँ, ठीक ना, वो एल्जेब्रिक वाले में कह रहा हूँ मैं. साइन कॉस वाले में तो करते रह जाओगे, प्लस माइनस इसी में चलता रहेगा, माइनस कॉस प्लस साइन माइनस ऐसा कुछ चलेगा. एल्जेब्रिक वाले की मैं बात कर रहा हूँ, क्या एक समय आएगा वो जीरो हो जाना है, ठीक ना. तो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, जब भी किसी चीज को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल की चर्चा करेंगे. किसकी चर्चा करेंगे, इसीलिए इसके दो नाम है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये बुकिश है और ये समझने के लिए है. क्या करना है, पहले छुटका के लिए पढ़ूंगा और टोटल के लिए क्या कर दूंगा, सांप लगा दूंगा. इसलिए इसको मैं सांप बोलता हूं. क्या बोलता हूं, सांप जैसा नहीं दिख रहा है, अरे बोल, दिख रहा है ना. अब ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, क्या सभी को याद रहेगा, पक्का 100%, इसमें कोई डाउट. अब जैसे वहां पे तुम लोग एक चीज का ध्यान रखते थे कि भाई डी बाई डी एक्स लिखा है, एक्स का स्क्वायर है तो 2x आएगा, और डी बाई डी टी लिखा है और एक्स का स्क्वायर है तो 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी आएगा. वैसे ही ना यहां पे भी हमको एक वेरिएबल चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करूंगा. यहां किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, यहां पे भी कोई एक चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा. क्या करूंगा, जैसे फंक्शन, जैसे वहां पे बताते थे ना वाई का फंक्शन है, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. तो वहां पे हम लोग जनरली बोलूं अगर मैं कि वाई को डिफरेंशिएट कर दीजिए, मैंने कुछ बोला नहीं है आपसे कि y को x के रिस्पेक्ट में करो, t के रिस्पेक्ट में, तुम्हारा कॉमन सेंस तुरंत क्या करेगा, अगर मान ले मैंने x स्क्वायर लिखा है तो तुम कहीं ये निकालने जाओगे, नहीं, तुम्हारा दिमाग तुरंत किधर की तरफ भागता है, d by dx निकालते हैं ना. अरे बोल,
तो जैसे यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस है ना, वैसे यहाँ पे भी इंपॉर्टेंस है। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं। इसका मैंने एक और बात बोला था, ये तो मान ले पहला डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन, तीसरा, अब जो सबसे शुरुआत में बोला था, कहीं कहीं आपको ऐसा भी पढ़ने को मिलेगा, मैथ्स के मास्टर लोग ज्यादा अच्छा से पढ़ाएंगे, वो बताते हैं लोग, जो चीज एक बार ही डिफरेंशिएट हो चुकी है उसी का क्या करते हैं इंटीग्रेशन, उसी का क्या करते हैं इंटीग्रेशन। इसलिए जब फार्मूला पढ़ोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तुमको टेन के डिफरेंट इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं दिया जाता है, sec स्क्वायर x का दिया जाएगा। किसका दिया जाएगा, याद करो वहां पे tan को डिफरेंशिएट करते तो क्या आंसर आता था, sec स्क्वायर x क्या आता था। तो यहाँ पे tan के लिए ना बुद्धि लगानी पड़ेगी, लंबा मेथड किस जाएगा, इसलिए यहाँ पे किसका फॉर्मूला देंगे हम लोग, sec स्क्वायर। और यही काम में भी आएगा आगे के डेरिवेशन में, इसी का काम भी पड़ता है हम लोगों को, ठीक ना। तो इसका आंसर अपने मन से पता क्या आ जाएगा, tan x क्या आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। हर सेंस में डिफरेंशिएशन में चीजें छोटी होती थी, इंटीग्रेशन में चीजें बड़ी हो जाएंगी। बोलचाल की भाषा में कैसा बोलेंगे, सबसे पहले छुटका का पता करो और बड़का के लिए सांप लगा दो, सबसे पहले छुटका का पता करो और बड़का के लिए सांप लगा दो, ठीक ना। अब सांप लगाने के पीछे भी दो प्रकार का इंटीग्रेशन हो जाता है, एक हो जाता है डेफिनिट और एक हो जाता है इनडेफिनिट। कौन कौन सा, डेफिनिट और इनडेफिनिट। यहां तक का फंडा क्लियर है, ये फॉर्मूला है आपको याद करना है। जैसे वहां पर tan x का डिफरेंशिएशन तुम तुरंत क्या बोलते थे, sec स्क्वायर x, क्या बोलते थे। और अभी मैंने डेफिनेशन में बोला कि इंटीग्रेशन उनका करते हैं जो पहले से एक बारी डिफरेंशिएट हो चुके हो, जो पहले से एक बारी डिफरेंशिएट हो चुके हो, ठीक ना। तो इसीलिए यहां पर sec स्क्वायर x का सीधा फॉर्मूला बताया जाता है। इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आया, पक्का ना है, बेसिक गणित ही। डिफरेंशिएशन से सही पूछिए तो इजी है, डिफरेंशिएशन में तो बहुत रूल था ना, वो सारे रूल पढ़ लियो तो यहाँ का नियम कानून आसान हो जाता है। अब इधर देखिए, इंटीग्रेशन दो प्रकार के, इंटीग्रेशन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। बोर्ड पे देखना, सभी बोर्ड पे देखो तो इंटीग्रेशन कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कौन कौन सा, तो डेफिनेट, और आपको यही याद भी रखना है डेफिनेट, और दूसरा इनडेफिनेट। दूसरा कौन सा, इनडेफिनेट। हमको फिजिक्स में सबसे ज्यादा काम डेफिनेट का आता है, लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा पढ़ेंगे इनडेफिनेट। काम आएगा किसका, डेफिनेट का, लेकिन पढ़ेंगे मन से कौन सा वाला, इनडेफिनेट वाला, क्योंकि बस एक छोटा सा अंतर होता है। अंतर क्या होता है, जैसे मान लो ना मैं बोल रहा हूं कि रॉड है, ठीक ना, इसको मिनिमम इसकी वैल्यू जीरो और मैक्सिमम लेंथ इसका कितना हो सकता है, 10 सेंटीमीटर। कितना मान लिया, 10 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं एलिमेंट मानू तो सबसे छोटा एलिमेंट का एकदम जीरो पे ही मान सकता हूं, और फिर सबसे दूर वाला कहां मान सकता हूं, इसकी मैक्सिमम लेंथ पे। तो जहां पे ना सांप का सिर और पूंछ डिफाइंड हो, क्या डिफाइंड हो, सांप का सिर और पूंछ डिफाइंड हो, मैथ की भाषा में क्या बोलूंगा, जहां पे लिमिट्स डिफाइंड हो, क्या डिफाइंड हो, कि मतलब कहां से कहां तक का जोड़ना है। बातें क्लियर हो रही है, इसमें किसका काम चल रहा है, जोड़ने का। तो भाई कहां से कहां तक का जोड़ना पूछोगे ना, कि अरे सर यहां से यहां तक का जोड़ू, कि टोटल का जोड़ू, कि 1/4 का जोड़ू, क्या हर बारी मैं अगर सेक्शन सेक्शन में बांट दूं तो हर बारी क्या आंसर अलग अलग आएगा। यहां जैसे मान लिया मैंने L/4 में बांट दिया, मैंने बोला यहां से यहां तक का जोड़ना है, तो तुम्हारा लेंथ कितना आएगा, जीरो से L/4 तक भी जोड़ोगे ना। मैं बोलू कि नहीं नहीं आप ए तक मत जोड़िए, आप बी तक जोड़िए, तो कहां से कहां तक का जोड़ोगे, जीरो से लेकर के L/2 तक का। नहीं क्लियर हो रहा है, आइए फिर से देखते हैं, यहां देखते हैं। डेफिनेट को डेफिनेट ही क्यों बोले, जो डिफाइंड हो, जो क्या हो, अच्छे से डिफाइंड हो, ऐसा समझो, ठीक ना। मैंने मान लो बोला कोई एक रॉड है, ठीक ना, इसका लेंथ कितना है, मान लिया मैंने बोल दिया 8 मीटर का है, कितने का है, 8 मीटर का है, ठीक। और मैंने इसको बराबर बराबर 4 हिस्सों में, या एल ही मान के करो ज्यादा उचित रहेगा, एल का है, मैंने इसको बराबर बराबर हिस्सों में बांटा, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है, ठीक ना। मैंने बोला कि जीरो से ए तक का ही बस ऐड करो, कहां से कहां तक का ऐड करो, जीरो से ए तक का ही ऐड करो, तो क्या तुम जीरो से लेकर के L/4 तक का ही ऐड करोगे। मैंने बोला नहीं नहीं तुम टोटल को ऐड करो, तो क्या तू जीरो से लेकर के टोटल L तक का ऐड करेगा। अरे बोल, मैंने बोला तुम जीरो शुरुआत से लेकर के C तक का ऐड करो, कहां से कहां तक का ऐड करो, शुरुआत से लेकर के C तक का ऐड करो, तो क्या तुम जीरो से लेकर के यहां तक का ऐड करोगे, L/6 का, कितने का। तो जहां पे ना मैं ये डिफाइन कर दूं कि नहीं यहां से यहां तक ही चीजों को जोड़ना है, वो क्या कहलाएंगे, डेफिनेट इंटीग्रल्स या डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्या कहलाएगा, वही मैं बोल रहा हूं, जहां पे लिमिट्स डिफाइंड हो जाए, जहां पे क्या डिफाइन हो जाए, लिमिट्स डिफाइन हो जाए। जैसे मैंने सर पूछवा और क्या डिफाइन कर दिया, सर डिफाइन कर दिया,
ठीक ना, कि मतलब जीरो से लेकर के एल बाई फोर तक इंटीग्रेट करना है। अभी सीख जाओगे ये, इसके लिए निश्चिंत रहना कि ये क्या कर रहे हैं। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? लोअर लिमिट, और इसको बोलेंगे अपर लिमिट, ठीक ना। मैं बाध्य कर दू, मैं बांध दू चीजों को, नहीं नहीं यहां से यहीं तक का करना है, जहां पे मैं चीजों को डिफाइन कर दू। अब तो तू निश्चिंत रहेगा ना भाई, अरे क्या आगे की चिंता नहीं है, बस यहां से यहीं तक का काम करना है। उस क्या होगा, क्या डिफाइंड होगा, वो किसमें आएंगे? डेफिनेट में। किसमें आएंगे? डेफिनेट में। और जो डिफाइंड ही नहीं है, मैंने बस बोल दिया इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या बोल दिया? इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक ना। लिमिट उमिट नहीं बताई, वो क्या कहलाएंगे? इनडेफिनिट। क्या कहलाएंगे? इनडेफिनिट। इसीलिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑलवेज कम्स विद अ कांस्टेंट। इनडेफिनिट में क्या होगा? कांस्टेंट एडेड रहता है। अभी देख भी लेना, कांस्टेंट क्या रहता है? एडेड रहता है। और इसमें कोई कांस्टेंट नहीं रहता है, कोई कांस्टेंट नहीं रहता है। अब ये सारी बातें तो डेफिनेशन में चल रही हैं, ठीक ना। इंटीग्रेशन का फीलिंग समझ में आया कि नहीं? इंटीग्रेशन में क्या करना है? चीजों को सम अप करना है। क्या करना है? सम अप करना है, ऐड करना है। क्या बातें क्लियर है यहां तक की? अब आते हैं, ये तो बेकार की बातें हो गई, नहीं भी समझ में आए तो मुझे बहुत दिक्कत की बात नहीं है, मेरे को तो न्यूमेरिकल कराने हैं। आपको न्यूमेरिकल फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। जैसे आपने डिफरेंशिएशन में, मैं अगर तुमसे पूछूं कि पावर रूल बताओ, तो पावर रूल तुरंत क्या करना चाहते हो? एक्स के पावर एन है तो पावर दो शामिल आए, पावर में से एक घटाए, पावर में से एक घटाए, तो डी बाई डी एक्स ऐसे लिख देते थे, क्या मजा था, ठीक ना। वैसे ही इंटीग्रेशन का भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? इंटीग्रेशन का भी एक फॉर्मूला होता है, जिसको पावर रूल के नाम से भी पढ़ सकते हो या मेन फॉर्मूला भी बोल सकते हो। अच्छा जैसे देखो, यहां पे सॉल्व करते हैं, बताते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बालक इधर दीदी लोग, पक्का ना? चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां से सारा कहानी शुरू होता है। अब न्यूमेरिकल की तरफ भागेंगे हम लोग, और यही सीखना भी है। इंटीग्रेशन को ऐसे डिफरेंट डिनोट करते हैं। मान लो मैंने दे दिया, मान लिया कुछ था मेरा वाई बराबर एक्स के पावर एन ही था। वाई बराबर कितना था? एक्स के पावर एन। मैंने इसको बोला वाई को इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? वाई को इंटीग्रेट। ध्यान से देखो, ये एक्स है तो यहाँ पे एक्स होना चाहिए, अगर नहीं है तो हायर लेवल वाला इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा जो फिजिक्स में आता नहीं, तो हम लोग बस बेसिक वाला पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, मैं क्या करूंगा, एक्स के पावर एन पुट कर दूंगा और यहाँ क्या लिख दूंगा? डी एक्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पावर को एक बढ़ाओ, बढ़े हुए पावर से डिवाइड कर दो। बोलो क्या बोलोगे? पावर को बढ़े हुए पावर से डिवाइड कर दो। अगर लिमिट नहीं डिफाइंड है, पूछवा और सिर सांप का नहीं बताया हुआ है, तब इसको बोलेंगे क्या है ये? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और अब मान लिखा था मैंने, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हमेशा किसके साथ आता है? कॉन्स्टेंट। ये आपको निकालने की आवश्यकता, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। क्या है ये? आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। इसका मुझे फिलहाल कोई लेना देना, आपको भी अभी फिलहाल इससे कोई लेना देना नहीं है। आदत में डालना चाहिए कि प्लस सी लिखा जाए इनडेफिनेट में, लेकिन हम लोग फिजिक्स में इग्नोर मार देते हैं, ठीक ना। क्या याद रहेगा? पक्का। अगर मान ले ऐसे हो जाए, अभी इनडेफिनेट को भी थोड़ा सा देख लो, बता दूंगा। मान लो मैंने बोल दिया कि इंटीग्रेट करिए जीरो से लेकर के पांच तक। कहां तक? जीरो से लेकर के पांच तक वाई डी एक्स को। तो वाई की मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, मान लो मैंने दे दिया वाई बराबर एक्स के पावर थ्री है। कितना है? वाई बराबर एक्स के पावर थ्री है। चलो पहले मिटा, मैंने बोला इसको इंटीग्रेट करिए। क्या करिए? इसको इंटीग्रेट करिए। तो क्या होगा आंसर? पावर को एक बढ़ाए, बढ़े हुए पावर से डिवाइड कर दीजिए, प्लस में सी, प्लस में सी। तो कितना हो जाएगा? एक्स के पावर फोर बाई फोर प्लस सी। दिखाई पड़ा? श्योर ना? अच्छा इसी में मान लो ना मैंने कुछ बोल दिया, एक यही सेम न्यूमेरिकल वाई डी एक्स, लेकिन जीरो से तीन तक के लिए। कहां से कहां तक के लिए? जीरो से तीन तक के लिए। तो यहां पे दर्शाता रहूंगा जीरो से तीन, जीरो से तीन। अब जैसे ही इसको लिखूंगा ना, तो यहां पे ऐसे लिख दूंगा, और ये कितना हो जाएगा? एक्स के पावर थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन। कहां से कहां तक? जीरो से तीन तक। और इसमें कॉन्स्टेंट की जरूरत, यहां पे कॉन्स्टेंट नहीं लगता है, तो ये बताओ कितना हो जाएगा? एक्स के पावर फोर अपॉन फोर। कहां से कहां तक भाई? जीरो से तीन तक। अब याद रखिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आगे का क्या हो जाएगा? तो तुम फाइनली ऐसे लिख सकता है, ध्यान से देख। चलो यहां लिखते हैं, इंटीग्रेशन जीरो से वाई, जीरो से तीन वाई डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 3 के पावर 4 अपॉन 4 माइनस लोअर लिमिट 0 के पावर 4 अपॉन 4। एक्स की जगह अपर लिमिट पुट करूंगा माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट पुट करूंगा। दिखाई पड़ा, इसमें कांस्टेंट नहीं आता है। तो 3 3 9 9 3 27 27 थी यहां बोलो 81 अपॉन 4 माइनस 0। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 81 अपॉन 4। तो ये डेफिनेट है, ये वाला हिस्सा कौन सा है, डेफिनेट का है। किसका है, डेफिनेट। और जहां पे लिमिट्स डिफाइंड नहीं है वो क्या है, इनडेफिनेट। क्या है वो, इनडेफिनेट। डेफिनेट में लिमिट्स डिफाइंड होंगी कांस्टेंट, इनडेफिनेट में लिमिट्स डिफाइंड नहीं होंगी और हमेशा किसके साथ लगेगा, कांस्टेंट। किसके साथ लगेगा, अरे बोलो पक्का श्योर ना। आइए क्वेश्चन करें, छापते रहे ना, पहले क्वेश्चन कर दो। तो डेफिनेट को डेफिनेट ही क्यों बोलते हैं, याद रहेगा ना, क्योंकि वो उसके लिमिट सर और पूछवा उसका क्या है, डिफाइंड है। सर और पूछवा क्या है, डिफाइंड है। और यहां पे ऑपरेटर कौन है, यहां पे ऑपरेटर है स्ट्रेच्ड एस। स्ट्रेच्ड बोलचाल की भाषा में बोलते हैं हम लोग स्ट्रेच्ड एस, ठीक ना। यही क्या है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ। अगर कहीं पे ये लगा हुआ दिख गया यानी वो चीज क्या हो जानी है, बड़ी हो जानी है। क्या हो जानी है, देखो ना क्या हर बारी पावर बढ़ रहा है, अरे बोल, तो चीजें क्या बड़ी ही होंगी ना भैया। क्लियर हो रहा है, पक्का। ये यहां का ऑपरेटर कौन, सिंबल कौन सा, सांप वाला। यहां का कौन सा ऑपरेटर, सांप वाला। इस सांप का क्या काम है, चीजों को ऐड कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक ना। तो और डिफरेंशिएशन क्या करेगा, क्लियर है। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, पावर को सामने लाए, पावर में से एक घटाए। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, पावर को एक बढ़ाओ बढ़े हुए पावर से, पावर को एक बढ़ाओ बढ़े हुए पावर से। क्या याद रहेगा, आज डेफिनेट पे नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग इनडेफिनेट पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे भी ढेर सारे नियम है लेकिन आसान है। अभी देखोगे तुम लोग बोलोगे बच्चा है डिफरेंशिएशन मंत्र पढ़े थे, अगर डिफरेंशिएशन मंत्र नहीं पढ़े तो जेलोगे। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं, एक्स के पावर 1/2। हाँ अरे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गया, वैलिड सॉरी नॉट वैलिड, ये बहुत खतरनाक चीज लिख रहे हैं, नॉट वैलिड फॉर एक्स इज इक्वल टू सॉरी एन इज इक्वल टू माइनस वन, नॉट वैलिड फॉर एक्स इज इक्वल एन इज इक्वल टू माइनस वन। अगर एक्स के पावर माइनस वन है तो ये फॉर्मूला कतई नहीं लगाएंगे, सारा का सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, सबके लिए वैलिड है, 3/2 5/2 अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 3, कुछ भी लिख ले, जॉन मन तौल लिख ले, सबके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। लेकिन एन बराबर माइनस वन के लिए इसको ऐसे बना ले, खतरा लिख ले यहां पे, क्यों नहीं वैलिड है सर, क्यों नहीं वैलिड है बताइए ना। अभी आपने शुरुआत में पढ़ा था इंटीग्रेशन उनका करते हैं जो एक बारी पहले से डिफरेंशिएटेड हो, जो एक बारी पहले से। अगर मैंने ऐसे लिख दिया, चलो आओ एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, मैंने बोला वाई इज इक्वल टू है 1 अपॉन एक्स या फिर एक्स के पावर माइनस वन, लिख सकते हैं ना, दोनों बातें एक ही हुई। अब देखो मैं एक बारी कर रहा हूं, तो मैंने लिखा इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह कितना रख दूं 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक ना। अगर मैं नियम कानून से चलूं, फार्मूला से चलूं, तो कितना हो जाएगा, पावर को एक बढ़ाए बढ़े हुए पावर से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, क्या जीरो, किसी की पावर जीरो क्या हो जाता है, वन, और वन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, जीरो। कुछ मिलेगा, नॉट डिफाइंड हो गया ना भाई, है? तो ये लिखो, लिखो नॉट डिफाइंड, यहां पे जबरदस्त लिखो एकदम, इसको भी गोला में डाल के, याद रहेगा, अनर्थ हो रहा है, कांड से अच्छा निकले, अनर्थ है, क्यों अनर्थ है। अब आइए, तो इसीलिए जो मैंने सबसे पहले डेफिनेशन बताई थी, क्या बताया था, इंटीग्रेशन उनका होता है जो एक बारी पहले से डिफरेंशिएट हो चुके हैं। फिर मैंने बोला इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ, इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ। एक बात बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स कितना आता था, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स कितना आता था, 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ln x आएगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा। फार्मूला सबके लिए वैलिड है लेकिन n बराबर माइनस वन के लिए वैलिड
बहुत गजब चीज बोल रही थी, यही तो खतरनाक था, तो बताता। तो सही तरीका क्या है सर, सही तरीका क्या है? सही तरीका है, आपको फार्मूला याद रख लेना है, वन अपॉन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x, क्या होता है? चुपचाप एकदम फार्मूला रहती है, ये क्या है, ये फार्मूला पावर रूल से नहीं करूंगा, ये एक अलग से एडिशनल फार्मूला मिल गया आपको, एक ना जैसे एक्स एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, वहां साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था कॉस एक्स, क्या होता था, आज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, क्या हो जाएगा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता था माइनस साइन एक्स, आज क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स को कॉस एक्स ही रहेगा वो प्लस साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस साइन। मैंने अभी बताया था यहां टेन का, टेन के चक्कर में अपन नहीं पढ़ेंगे, टेन के चक्कर में अपन नहीं पढ़ेंगे, अरे बोलो पक्का ना, और एक्सपोनेंशियल तो वह आया था, एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट करो या डिफरेंशिएट करो उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, लेकिन बस किसके लिए, ए टू दी पावर एक्स के लिए, ए टू दी पावर एक्स के लिए। क्या ये सारी बातें याद रहेंगी, क्या 100% याद रहेंगी? आइए दो चार प्रश्न कर ले, कल छापे को क्वेश्चन क्वेश्चन किया जाए, जल्दी छापिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, इधर बालक पीछे दीदी चलिए छापिए जल्दी छापिए, इधर देखिए। न्यूमेरिकल करने से पहले ना आइए दो चार इंपॉर्टेंट रूल सीख लेते हैं, जैसे तुम लोग उसमें पढ़े थे ना, इधर देखिए बोर्ड पे देखिए जरा सभी लोग, जैसे डिफरेंशिएशन में पढ़ा था ना तुमने, पहले पावर रूल पढ़ा, फिर उसके बाद क्या पढ़ा था, कांस्टेंट का नियम पढ़ा था, क्या पढ़ा था कांस्टेंट का नियम पढ़ा था, कांस्टेंट अकेला हो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो, ठीक ना। तो चूंकि यहाँ पे ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट मैं पहले से यूज कर चुका हूं, ये तो रूल नंबर वन हो गया, पर रूल नंबर टू क्या कहता है यहाँ पे ध्यान से देखना, ये के कांस्टेंट है, क्या है के कांस्टेंट, और अगर मुझे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है, क्या इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है इंटीग्रेशन, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था जीरो, क्या होता था जीरो, ठीक ना। लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ध्यान से सुनिएगा, जो भी वेरिएबल होगा वही लिख देंगे, ठीक ना, इसका आंसर हो जाएगा kx plus c, kx plus c। कैसे हुआ है ये करके दिखा देता हूं, मान लो पांच रहता, क्या रहता पांच, तो क्या करते, तो अब तो पांच इसको बाहर ले लो डिफरेंट इंटीग्रेशन की, क्या कर दो बाहर ले लेता हूं, ठीक ना, क्या यहां पे dx बचेगा, असली में बताओ dx बचेगा कि x के पावर 0 into dx बचेगा, क्या x के पावर 0 into dx बचेगा, ठीक ना, फार्मूला लगा दो, पावर को एक बढ़ाएंगे बड़े हुए पावर से कितना आ जाएगा, dt रहता तो t आ जाता, dt रहता तो t आ जाता, df रहता तो वहां पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यहां पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो भी कांस्टेंट होगा मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल, मल्टीप्लाइड बाय, क्या क्लियर है, अरे पक्का श्योर, या ऐसा बोल दो ना जो कोएफिशिएंट क्या रहने दो उसके रूप में, मतलब चलो क्लियर है ना ये पक्का। चलिए अब इधर देखिए, या वेरिएबल बोलने से ज्यादा अच्छा ना बोलो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है ना उसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या कर दूंगा उसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे उदाहरण के लिए देख लो भाई एक और देख लो, मान लो रहता टू, ये मान लो ऐसे रहता EDT, क्या रहता EDT, तो ये कितना हो जाता E टू T, कितना हो जाता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो कांस्टेंट है ना, 2.7, क्या याद रहेगा पक्का, दूसरा नियम हो गया ये। तीसरा नियम, अब कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो तो यहां पे उतने चक्करों में नहीं पड़ते हैं भाई, यहां पे कांस्टेंट अब मल्टीप्लाई ही होता, बाहर कर दिए वैसे ही बाहर कर देंगे, वहां पे अकेला हो या मल्टीप्लाइड हो इसका ध्यान रखना है, यहां पे ध्यान, क्या याद रहेगा पक्का याद रहेगा श्योर ना। अच्छा एक फॉर्मूला और देख लीजिए, इंटीग्रेशन इसको एज अ फॉर्मूला ही याद रखो, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स का फॉर्मूला से नहीं होता, इसका क्या होता है ln x plus c, ln x plus c, अरे बोलो याद रहेगा क्या। अच्छा फॉर्मूला नंबर तीन, फार्मूला नंबर चार, फार्मूला नंबर चार e टू दी पावर x dx, ये तो बेहाया होता है, इसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, डिफरेंशिएट करूं या इंटीग्रेट ये बार बार क्या देगा, यही वैल्यू रह जाएगी। लेकिन अगर x के अलावा कुछ और रहा तो, मतलब x के अलावा t रहा यहाँ पे t रहा, मतलब ये मत समझ लेना कि सर बोल रहे हैं x के अलावा कुछ और रहा तो बदल जाएगा, अगर ऐसा रहा तो कितना हो जाएगा e के पावर t, ठीक ना, नहीं बदलेगा। हाँ लेकिन ऐसा हो ना कि e टू दी पावर x प्लस टू, तो याद है वहां चेन रूल लगाते थे आउटसाइड का डिफरेंशिएशन कीपिंग द इनसाइड सेम मल्टीप्लाइड बाय इनसाइड का, वैसे ही एक रूल यहाँ पे भी ऐसा ही गाना याद दिलाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे भी गाना याद कर लेंगे हम लोग, ठीक। आइए अगला फॉर्मूला, अगर कोई पढ़ना हो अगला फॉर्मूला आपका हो जाएगा, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, हाँ नियम कानून देख लो,
यहाँ पे प्रोडक्ट रूल डिवीजन रूल जैसा नहीं पढ़ना हम लोग को, तो उससे मुक्त है ठीक ना। एक फॉर्मूला ये याद रख सकते हो तुम लोग, साइन कॉस सेक स्क्वायर का बताना होता है, एक और होता है यार बोल रहा है हमको, कौन सा बोल रहा है, e टू दी पावर x हो गया, ये हो ही गया, हाँ u प्लस बी वाला लगता है ठीक ना। अगर मान ले इंटीग्रेशन u प्लस बी वाला है, कौन सा वाला है, u प्लस बी डी एक्स, तो वही जैसे वहां बताते थे वैसे यहाँ पे भी करूंगा, इंटीग्रेशन बारी बारी से क्या हो जाएगा, सब पे इंप्लीमेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन बारी बारी से क्या हो जाएगा, सब पे इंप्लीमेंट हो जाएगा, जैसे डिफरेंशिएशन में होता था ठीक ना। फिर अब ये कुछ कुछ याद रखना आपको, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस में कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस का साइन एक्स प्लस सी, ये एक्स लिखा हुआ है ध्यान देना, और टेन के चक्कर में पढ़ेंगे नहीं, हमारे काम का क्या है, sec स्क्वायर एक्स, क्या है sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी, क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। अगर लिमिट लगी रहती तो ये सी 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 की वैल्यू नहीं रहती, ये बेकार के हैं, क्या है ये बेकार के हैं, क्या याद रहेगा। अब क्वेश्चन करें पक्का, एक बार छाप ले तो क्वेश्चन करते, जल्दी जल्दी छाप, आइए इधर देखिए पहला वाला, बोर्ड पे देखो सभी, पहला वाला, पहला तो बहुत ही इजी है, कितना हो जाएगा, पावर को एक बढ़ाए बढ़े हुए पावर से डिवाइड कर दे, प्लस में सी लिखने की आदत डाल लीजिए, अगर छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत, बड़े वालों को तो नहीं है ठीक ना। आइए दूसरा, दूसरा कह रहा है एक्स के पावर माइनस थ्री बाई टू डी एक्स, वही काम सर, माइनस में पावर है सर, आप बताए थे माइनस में वन के लिए नहीं लागू होता है, तो बस माइनस में वन के लिए ही नहीं लागू होगा, उसके अलावा सब पे लागू होगा ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, पावर को एक बढ़ाए बढ़े हुए पावर से डिवाइड कर दिए, तो कितना हो जाएगा बताना, जरा थोड़ा गणित कमजोर है मेरे, बताना कितना होगा, माइनस में वन बाई टू होगा क्या, अच्छा प्लस में सी, मन करे तो लिखो, भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में वन बाई टू, माइनस में वन बाई टू, तो कितना हो जाएगा ये, क्या माइनस में टू अंडर रूट एक्स लिख दूं, कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए आई थिंक, चलिए बहुत बढ़िया, दिक्कत है बालक। आइए तीसरे पे आते हैं, तीसरा क्या कह रहा है, x के पावर 5 dx, ये क्या बेकार का, डायरेक्ट लिखो क्या, x के पावर 6 by 6 plus c, चौथा यहीं पे कर दो, चौथा क्या कह रहा है, अंडर रूट में x लेकिन अपॉन में, तो ये इसको पहले सुंदर सुंदर लिख ले क्या, इसको ऐसे लिख लूं, x के पावर माइनस में 1 by 2, अरे बोलो यहां पे रहेगा तो कहीं पे भी रूट लगे तो उसको उसमें तुरंत बदलूं, पावर 1 by 2 में, किसमें बदलूं, पावर 1 by 2 में, और डिनोमिनेटर में ऊपर में जाएगा तो पावर का साइन बदल जाता है, तो कितना हो जाएगा, पावर को एक बढ़ाए बढ़े हुए पावर से ही डिवाइड कर दिए, तो कितना हो जाएगा, x के पावर 1 by 2 अपॉन में 1 by 2, तो सुंदर सुंदर लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, क्या 2 upon नहीं, क्या रूट 2 रूट x, ये गलत कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, कहां गलती हो रही है, नहीं हो रही है ना, चलो भाई देख लेना थोड़ा गणित कमजोर है। चौथे नंबर पे आते हैं, चौथा नंबर 1 upon r का स्क्वायर, ये याद भी रखना है आपको, 1 upon r का स्क्वायर, देख यहां पे dr लिखा हुआ है, dx नहीं लिखा हुआ है, एक ना मानना पड़ेगा, तो वो आगे की डेफिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड हमको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना भी नहीं फिलहाल, बायो वालों को तो एकदम नहीं पढ़ना है, तो इसको कितना सुंदर सुंदर लिख दूं क्या, ऐसे पहले माइनस में 2, ये देखना भाई सांप अच्छे से लगाना, दिया ठीक ना, अब पावर को एक बढ़ाए बढ़े हुए पावर से ही डिवाइड कर दे, बढ़े हुए पावर से ही डिवाइड कर दे, मन करे तो प्लस सी लिखो, मन करे ना लिखो, एक्स के पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1, मैंने बोला था ना माइनस में 1 अपॉन आर आएगा, अरे बोल तो अंतिम में ले जाकर के चेप सकते हो, जरूरी नहीं है शुरू से अंत तक लेकर के चलते रहे ठीक ना। सी को पांचवें नंबर पे, ये पांचवा नंबर तो हो गया ना यार, ये पांचवा ही तो था, छठा नंबर, छठा नंबर क्या कह रहा है, छठा नंबर कह रहा है भाई एडिशन वाला है क्या, तो इंटीग्रेशन बारी बारी से सब पे इंप्लीमेंट हो जाएगा, मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान से देखो क्या उसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3x का स्क्वायर dx प्लस x के पावर माइनस 1 dx, अरे लिख सकता हूं पक्का, तो इसका कितना हो जाएगा, इसको बाहर ले लिए इसका, और इसका कितना हो जाएगा, पावर को एक बढ़ाए बढ़े हुए पावर से डिवाइड, कुछ लोग करते हैं यहाँ पे प्लस सी वन और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस सी टू, कॉन्स्टेंट्स अलग अलग हो जाएंगे, अपन उतना डिटेल में अब नहीं जाएंगे। हाँ यहाँ पे सर क्या कर दूं, एक्स के पावर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 प्लस 1, सही कर रहा हूँ, गलत गलत कर रहा हूँ ना, क्यों गलत कर रहा हूँ, हाँ यहाँ पे तुरंत तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, साला 1 माइनस में, तो इसको अच्छा लिखू ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं यहां पे, ये ऐसे रहता तो खतरे की घंटी दिखाई दे जाती, तो 1 अपॉन x का क्या होता है, ln x, क्या होता है, क्या क्लियर है सभी को, ये वाले सारे के सारे हो गए क्या, आइए मिटाइए, ये कोई एक रह जा रहा था, ये वाला रह जा रहा था, उसके पहले इधर के खत्म कर लेते हैं, आइए
छठे नंबर का हो गया, सातवें नंबर पे ऐसे। सातवां नंबर कह रहा है क्या ऐसे ऐसे लिख दो क्या, कोई दिक्कत नहीं ना? कितना हो जाएगा x के पावर, पावर को एक बढ़ाए, बड़े हुए पावर से डिवाइड कर दे, बड़े हुए पावर से डिवाइड कर, और ये कितना हो जाएगा ln x, कितना हो जाएगा? मन करे तो सुंदर सुंदर लिख लो, x के पावर माइनस एट, माइनस साइन यहाँ पे लगा लो, डिवाइड, माइनस एट नहीं यार, माइनस का सिक्स ना, सिक्स प्लस में ln x, प्लस में ln x। आठवें नंबर पे आइए, आठवां नंबर क्या कह रहा है? ये सब तो बाबू बाबू वाले सवाल है, नहीं कितना हो जाएगा बोलो, x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई टू, कितना x स्क्वायर बाई टू, x स्क्वायर बाई टू, नहीं तो फार्मूला से करो, पावर को एक बड़ा है, बड़े हुए पावर से डिवाइड कर दिया, क्या क्लियर है? ये मिटा दूं क्या? अपने मन से करिएगा। नौवां नंबर पे आते हैं, नौवां नंबर क्या कह रहा है? x स्क्वायर dx प्लस x dx प्लस वन, प्लस वन, वन में भी क्या लगा देना dx, क्या लगा देना dx, तो बताओ कितना हो जाएगा? x के पावर थ्री बाई थ्री प्लस x स्क्वायर बाई टू प्लस, कॉन्स्टेंट है यहां, कॉन्स्टेंट अकेला हो या मल्टीप्लाइड हो कोई फर्क पड़ने वाला, तो हमेशा इंटीग्रेशन के क्या कर देंगे, बाहर ले लेंगे, और जो भी वेरिएबल रहेगा उससे क्या कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा x, कितना हो जाएगा? मैथ्स के विद्यार्थी हो तो यहाँ पे c1, वन यहाँ पे c2 टू प्लस यहाँ पे c3, काम का नहीं है अपने, ठीक ना? आइए दसवें पे, दसवां क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन क्या, फोर साइन एक्स प्लस में इंटीग्रेशन, अरे 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 dx भी तो रहेगा, प्लस 4dx, कितना हो जाएगा बताओ तो? क्या 4 बाहर ले लूं, क्या 4 बाहर ले लूं? आओ 4 बाहर ले लिए, अब बताओ कितना? sin x का क्या होता है? माइनस cos x, sin x का क्या होता है? माइनस cos x, प्लस 4 यहां बाहर ले लिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अरे क्या बातें, क्लियर है, 100% क्लियर है, कोई कठिनाई, ऐसा कहीं कोई डाउट, इंटीग्रेशन देख के ज्यादा आसान है इस, लेकिन डिफरेंशिएशन मन से पढ़े रहेंगे तब, अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं पता तब तो जूझ लाएंगे, एकदम झेल जाएंगे। बिठा दूं ये बाबू वाले सवाल तो तुम लोग कर ही लोगे। यहां पे आपको प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल जैसी कोई चीज नहीं मिलेगी, हाँ लेकिन चेन रूल जैसा एक मिलेगा, ठीक ना? और वो बहुत ईजी है, अभी अब उसी के बारे में चर्चा करूंगा। आइए ग्यारहवां कर लेते, ग्यारहवां क्या कह रहे हैं? इंटीग्रेशन ऑफ 4 e to the power x plus 2 upon, अरे dx लगा दो, dx लगा दो, plus integration 3 cos x dx लगा दो, बताओ ये कितना हो जाएगा? constant, अकेला multiplied, यहाँ पे इसकी चर्चा ही बाहर ले ले, e to the power x का, e to the power x ही होता है, plus 2 को बाहर जैसे ही लिया, घंटी बजनी चाहिए दिमाग में, साला माइनस वन वाला है, चलो ऐसे ही लिख दो, यहाँ 3 cos x का integration sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, इसको थोड़ा सुंदर कर ले, फाइनलाइज कर लेते हैं, इनको 2 into ln x plus 3 sin x, कोई दुविधा? आइए 12वें नंबर को भी सॉल्व कर लेते हैं। 12वां नंबर क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ 3x का स्क्वायर dx plus इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, अरे यही है क्या? ये तो अपने मन से बताओ, 3x का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 मर गया, प्लस प्लस की माइनस साइन है, प्लस में की माइनस में, प्लस में, बहुत बढ़िया, क्या मजेदार था, क्या इजी था। आइए तेरहवां कर लेते, आप अपने मन से कर लेना फिर इसको। तेरहवां, तेरहवां क्या कह रहा है? अंडर रूट में एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर। अब होता क्या है ना, यहां पे जब बच्चा एक बार चेन रूल जैसी चीज पढ़ लेता है, बच्चा लगता है उस फॉर्मूले से करना है, ठीक ना? अभी सिखाता हूं, अरे लिखा रहेगा, लिखकर छूट गया मेरे से, ठीक ना? तो अगर ऐसा लिखा है ना, तो पहला काम तो ये करो ना, इसको स्क्वायर है तो इसको चुपचाप किससे सॉल्व कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर से, किससे सॉल्व कर ले, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। अरे क्या यही होता है बोलो, पक्का ना? अच्छा, अंडर रूट का स्क्वायर क्या होता है? क्या एक्स हो जाता है? अरे बोल, रूट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कौन सा है? तो बताओ ये कितना हो जाएगा? x dx, देखो छूट रहा है मेरा dx, हर जगह नहीं, यहां लगाया ही नहीं मैंने। अब इंटीग्रेशन बारी बारी से सब पे इंप्लीमेंट कर दो, ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन x dx प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 dx, सांप लगा दें, सांप लगा दें, बताइए ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? ln
एक्स प्लस टू एक्स, क्या याद रहेगा? छाप ले। अब आते हैं मजेदार चीज जो इंटीग्रेशन में आपके काम आएगी, याद रखने वाली चीज पे पढ़ते हैं। सॉल्व कर लीजिए उसमें से जो जो नहीं आ रहा है, नहीं तो बोलिए तो आगे पढ़ूं। सभी का हो गया है? महिमा जल्दी लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख। अध्याय